जी, अगर खुदकुशी की होती तो टांगे टूटती, हाथ टूटते, यहाँ पे ये हड्डी तोड़ दी गई है। पहले ऊपर उन्होंने डेथ की उसकी, देखा कि वो इसकी डेथ हो चुकी है, फिर उन्होंने धक्का दे दिया नीचे। पुलिस चाहेगी ना रिपोर्ट तो वही आनी है। आप क्या कर सकते हैं? मोहल्लेदार क्या? हाँ, हम मोहल्लेदार हैं। ज्यादती की है। बहुत ये बच्चा यहाँ पे तड़फता रहा है पूरा एक घंटा, किसी को पुलिस वालों ने उसके सामने नहीं आने दिया कि अगर एक घूंट उसको पानी का दिया जाए। मुझे ये बताएं हमारे मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। उसने क्यों खुदकुशी करनी थी? और कोई जगह नहीं उसे मिली थी? इन्होंने हेडलाइन चला दी सिटी 42 पे 7 बजे कि उस बच्चे ने खुदकुशी की है तीसरे फ्लोर से, झूठ बोला। हम लोग उतार लिए, इसके जोकर्स भी उतार लिए पुलिस वालों ने, चैन भी, वॉलेट भी, मोबाइल भी और बाइक भी। बाइक हमें लाश भी नहीं घर डाले दी, खुद ही दफनाया और हमें दिखाया भी नहीं। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदरून भाटी गेट के अंदर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात नौजवान के मुबैना तौर पर कत्ल होने का मामला पेश आया था यहाँ पर, और ये छत से गिरकर नीचे गिरा और जाम हक हो गया। इस वक्त मक्तूल के जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि इनका जो बच्चा था वो पुलिस वालों ने धक्का दे के, इनके बकौल जो है इन्होंने कहा जी उन्होंने धक्का दे के उस बच्चे का यानी कि धक्का दिया और जैसे वो नीचे गिरा जानबर ना हो सका। इस वक्त लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया क्या है, सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जवेद। अच्छा, की वाकया है? मेरी बेटी का घर है नाल, मेरी बेटी उधर आया, मेरा पुत्र नस के नाल आए ने, तीन चार पुलिस वाले आए ने, उसके मगर चले गए ने उत्ते कोठे के उत्ते। मैं क्या की होया, मैं भी मगर चले गया। वो उत्ते लड़ते पे ने, वह उत्ते लड़ते पे ने, लड़ते लड़ते उन्होंने पता की ए इट मारी उन्होंने, उस तो बाद उन्हें धिक्खा दिता है तो थले आए ने, थले आए ने मैं ढकिया, उन्हें मैंने भी धिक्खा मार के नस गए ने। एक ने वाली पाई है, फिर मैं भी इतने आया, देखो इन्होंने किया डिग पिया, उन्हें मूँह तो उत्तर लत्तं मारियाँ। की नाम बोला? मंदरा सर ते मकान ए एस आई है। तहसील कांस्टेबल आहो। और ए एस आई कहड़ा? इमरान। इमरान ए एस आई मंदरा सर है, उन्हें इतने मूँह खून में निकल जाएंगे अगर मैं खून आएगा मेरी बुक्का जी, उन्हें ठुडे मारे ने, ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਟੂਆ ਵੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਬਣੀ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਰਾਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਰਮ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੇਸ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 302 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ? हाँ हाँ, मैं ही मिल रहा। आप यहाँ पे थे? हाँ हाँ। क्या वाक्य हुआ? किसका बेटा? हाँ। वो उसके पीछे लगे हैं, वो समझा वो है, वो उसके पीछे भाग गया ऊपर। अच्छा। ऊपर से दिखा दी है, वहाँ गिर पड़ा है, सर पे लग के नीचे गिर गया है, तो वो भाग गए हैं पुलिस वाले। सियासी की हुई यहाँ आगे ही, बहुत सियासी करते हैं पुलिस वाले। ये ऐनी शाहिदीन थे और इस वक्त वालिद की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ इन्होंने नाजायज़ उसको मारा है और धक्का दे के मारा है और उसके पीछे लगे हुए थे। पहले भी कभी इस तरह तड़ा बच्चा किसी यानी कि किसी सरगर्मी के बीच मतलब? नहीं 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 नहीं, पहले कोई मुकदमा वगैरह है? ये उस उनका बेटा, ये मकतूल जो था ये उनका बेटा भी है, ये छोटा सा बेटा है और इसके वालिद को रात को पुलिस वालों के इनके बकौल के पुलिस वालों ने धक्का दिया है और वो नीचे गिरा है और नीचे गिर के जानबर ना हो सका और इस दुनिया फानी से चला गया हुआ है। ये बच्चा छोटा था उसका और ये ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने सारा वाकया यहाँ पर खड़े होकर देखा। ये एक आप देख सकते हैं, ये दो बेटे हैं और ये एक मासूम सी इनकी एक छोटी सी बेटी है और ये छोटे बच्चे हैं उनके और ये ऐनी शाहिदीन, इनसे जान लेते हैं भाई ये क्या वाक्य हुआ था। सर जी, हम यहाँ पे नीचे बैठे थे, ठीक है, तो ऊपर में लड़ाई की आवाज़ आई है, वहाँ पे जाकर हमने देखा तो पुलिस वाले ना 3-4 जितने उसको मार रहे थे। अच्छा। तो वो अपने आप को छुड़वा रहा था, खीर ये हुआ, उन्होंने उसको धक्का दिया, वो यहाँ पे लग के नीचे गिरा, हम देख रहे थे, तो 5 मिनट बाद आगे कहते की होया इनू, वही बंदे दोबारा, वही बंदे आगे कहते हैं इनू की होया। क्या नाम था उनका? मुदस्सिर था उसका, यहाँ पे नाम लिखा था मुदस्सिर, एक इमरान था, 2 कांस्टेबल थे, उनका नाम नहीं लिखा था, ठीक है, वो दस्ता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके शूज़ भी उतारे हैं, उसका मोबाइल था, उसका मोबाइल लेके गए, चैन उतारी है
और हम जब उसको पानी पिलाने लगे उसने पैसे पिस्तौल निकाली, उसने कहा पानी नहीं पिलाना इसको। नहीं, कुछ और थी तड़ा बच्चा, कुछ और थी, कोई टिकट थी कि दसने पे आ, उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया उसको और वो भाग गया। उन्होंने कहा किसी ने नहीं फड़ना, फिर ये आए हैं। चोर चूर नहीं सी, उन्होंने कहा सी और मकुआ बनाया, असी आए हैं अकरम नु फड़न। अकरम नु फड़न, हां ओ अकरम लगे, उन्होंने कहा किसी ने किया अकरम दे शुभे च, इन्होंने उन्होंने धिक्का देता 302 सी, और उन्होंने कहा अकरम है। वो कहना मैं अकरम नहीं गा, मैं अकरम नहीं गा, जान दो खुदा का वास्ता, इन्हें फड़ के डबल इट ए मारी उन्होंने पहले पिछों। मैं तो मगर भजिया, मैं मगर भजिया, इन्हें नहीं किया, चलो छुट दे थले। इन्हें मैं डकिया उन्होंने, उन्होंने मन भी धिके मार के, तो इतने आए ने आन के, इन्होंने भाज जी उन्होंने फिर ठुडे मारे ने। हाँ मैं कहा जालमा की फड़ो फड़ो, इन्होंने पुलिस नस गए। खुदकुशी की एफ आई आर दी है, अगर खुदकुशी की एफ आई आर दी है, अगर खुदकुशी थी तो तुम लोग क्यों भागे हो यहाँ से? आपको खुदकुशी दी है, पूछने आपका काम नहीं बनता, माफी दो, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। आप क्यों भागे हो यहाँ से, उसकी चीजें लेके क्यों भागे हो? आप मौके को, हाँ हमारे सामने चीजें लेके गया उसकी बाइक। ये मेरी बहन भी है जी जी, अगर खुदकुशी की होती तो टांगे टूटती, हाथ टूटते, यहाँ पे ये हड्डी तोड़ दी गई है। पहले ऊपर उन्होंने डेथ की उसकी, देखा कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, फिर उन्होंने धक्का दे दिया नीचे जी। और जब इधर गिरा हुआ है, कोई उसका पर्स निकाल रहा है, कोई उसकी बाइक लेके जा रहा है, कोई सर उसके पैसे निकाल रहा है, चेन उतार रहा है, ये गवाह है, ये इधर के रहते हैं। जूती भी ले गए ना, जूती भी वाली। अच्छा अच्छा, आपका पीछे घर है और ये यहाँ से अंदर? नहीं, वो पीछे से, पीछे से आए हैं और यहाँ से, और फिर 5 मिनट बाद दोबारा आए हैं इधर, भागते भागते आए हैं। और आगे कहते क्या हुआ, आके देख के अगर तुम पूछ रहे हो क्या, बस को हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल भी नहीं लेके भागे क्यों, उसकी चीज़ें लेके, चोर है ये, हमारी पुलिस चोर हो गई है। ये हालात हैं जी नाजिन के, शदीद गमों को उसने का इजहार भी कर रहे हैं। अब क्या मुतालबा, क्या कहना चाहते हैं? मुतालबा तो है सामने इंसाफ चाहिए। ये वालदा, ये वालदा माँ जी, मैं देखा छाल बाज दी, कोई नहीं मारता अपनी जान, किसी ने नहीं प्यारी बड़ी जान है ना, तू कर सकना है बोल? इसने देखो एंदे बंदे ने, बंदे जो कोई कर सकता खुदकशी, कोई नहीं करता। तेरा थाने दी पुलिस बुला ली है, उथे जनाजा अपने को रखे है, सानू नेड़े नहीं आन दिता, तदफीन कर दी जी, तदफीन कर दी, इन्होंने आपा ही दफनाया है, आपा ही सब कुछ किया है, सानू नेड़े नहीं आन दिता सानू। फिर इन्होंने किया रात को 2-3 बजे तक मुलाजम पुलिस कबर के उत्ते बैठी रही है, कबर से बैठी रही है, दूसरे दिन भी कबर के उत्ते बैठे रहे हैं। ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਹੌਸਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੰਦਰਾ ਸਰ ਨੇ, ਮੰਦਰਾ ਸਰ ਬਾਲੀ ਮੁਦਸਰ ਕੋ ਗਾਇਬ ਰਖਾ ਹੋਗਾ, ਗਾਇਬ ਹੈ ਮੁਦਸਰ, ਬੇਕਸੂਰ ਉਸ ਕੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਥਾਨੇ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਨੇ ਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ, ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਭਗਾ ਦਿਆ, ਜੋ ਸਾਥ ਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਗਾ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਏਐਸਆਈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਬ ਡੈਥ ਬੋਡੀ ਥੀ ਹਮ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਐਸਏ ਬਾਤ ਸੁਨੇ, ਕਹਤੇ ਰਹੇ ਹਮ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਂਗੇ ਦੇਂਗੇ, ਡੈਥ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਈ ਹੈ, ਗੜ ਗਏ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਐਫਆਈਆਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? खुदकुशी की एफआईआर, और खुद ही उन्होंने खुदकुशी की एफआईआर। अभी तक इंसाफ तो क्या मिलना, डेथ की रिपोर्ट नहीं मिली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली, नहीं मिली, हम मांगने जा रहे हैं, हमें घुमा रहे हैं। ये एक और मेरी बहन है जी जी, क्या कह रही मेरी बहन? ये कह रही हूँ कि जो पुलिस चाहेगी ना रिपोर्ट तो वही आनी है। आप क्या कर सकते हैं? मोहल्लेदार हैं। हाँ हम मोहल्लेदार हैं। ज्यादती की है, बहुत बच्चा यहाँ पे तड़फता रहा है पूरा 1 घंटा, किसी को पुलिस वालों ने उसके सामने नहीं आने दिया कि अगर एक घूंट उसको पानी का दिया जाए। मुझे ये बताएं हमारे मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उसने क्यों खुदकुशी करनी थी, और कोई जगह नहीं उसे मिली थी? इन्होंने हेडलाइन चला दी सिटी 42 पे 7 बजे कि उस बच्चे ने खुदकुशी की है 3rd फ्लोर से, झूठ बोला। हम लोग तो भूखे मार रहे हैं, बच्चे हमारे पास 20-20 हज़ार की तनख्वाह लाते हैं, उसमें बिजली का बिल 30,000 आ जाता है। हमें जी जी, आप मोहल्लेदार? ये एक और ऐनी शाहिदीन है जो कि मौके की गवाह हैं, और इन्होंने सारा वकुआ जो है वो अपनी आंखों से देखा है। जी मेरी बहन, क्या वाक्य हुआ था? ऊपर से गिरा था, पता नहीं उसके पीछे ना पुलिस लगी हुई, पुलिस लगी थी, उसने ना वो छलांग मारी। पहले भी ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस था ये लड़का जो मकतूल है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो मेहमान आई थी ना, तो मैंने इधर देखा पड़ा हुआ गिरा हुआ। क्रिकेट खेलता था, ऐसा लड़का नहीं था वो? ऐसा नहीं था, नहीं था, हमारे साथ संडे के संडे मैच खेलता, तो वैसा नहीं था पहले, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसी बात नहीं, हमने देखी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं ऐसा नहीं था। उतार लिए उसके जॉगर्स भी, उतार लिए पुलिस वालों ने, चैन भी, वॉलेट भी, मोबाइल भी, और बाइक भी, बाइक दे दिया उन्होंने,
पुलिस थाने ने कॉल करवाई है, दो दिया, तीन घंटे था। आपने ये वाकया देखा? हाँ जी, मैंने देखा। क्या हुआ था? खड़ा हुआ था, ऊपर से गिरा, एकदम लाइट बंद थी, ऊपर से गिरा था। 9-10 बजे का ही टाइम था, 9:30 का टाइम था। हमने कहा पता नहीं कोई बनेरा गिरा, उसकी आवाज आ रही। हम नीचे आए तो यहाँ पे पड़ा, उसके सांस है थे तो उसका मगज बाहर आ गया, पानी भी नहीं। वो आले दुआले ऐसे ही खड़े देख रहे थे वो, तो मैंने कहा भाई इसको उठाओ, भाई इसको उठाओ, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसके सांस है, इसको ले जाओ। उन्होंने बाजुओं से पकड़ा और चार पाई पे भी नहीं उन्होंने, तो वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है और उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और इनके बकौल ये है कि जो मकतूल है, जो जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर वो मुलव्वज़ नहीं था। पुलिस वाले इसके पीछे लगे हैं, इसको ये समझा था कि पहले को 302 का मर्डर था तो उसके अंदर उन्होंने समझा कि शायद ये उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके पीछे लगे हैं। और छत पर भागते हुए उसको धक्का दिया है, इनके बकौल कि उनको धक्का दिया और वो नीचे गिरा और वो जानबर नहीं हो सका और दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है। और इलाका मकीन जो हैं और ऐनी शाहिदीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और वो ये कह रहे हैं। और अब इनके लवाहिकीन का यही मुतालबा है कि IG पंजाब साहब आपसे, CCP लाहौर साहब आपसे और DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए, जो और वजीर अला साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इसकी यानी कि एक कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, अगर वो पुलिस एहलकार इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।